तो दोस्तों, डर के आगे जीत होगी, एक दिन दुनिया तुम्हारी मुरीद होगी। हेलो एवरीवन, स्टडीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है December 20, 2018 और डे है थर्सडे। न्यूज़पेपर स्टार्ट करने से पहले आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 विच वॉज रिसेंटली पास्ड बाय द लोकसभा। भी रिसेंटली लोकसभा ने ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल 2016 को पास किया, उससे रिलेटेड तीन स्टेटमेंट आपके सामने है। पहली स्टेटमेंट है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन होगा उनको सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी की जरूरत नहीं होगी एज प्रूफ ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन, और अपने जो राइट्स हैं जो कि इस बिल के अंदर लिखे हुए हैं उनको इन्वोक करने के लिए। दूसरी स्टेटमेंट है कि ये जो बिल है ये प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा अगेंस्ट या ट्रांसजेंडर पर्सन इन एरियाज सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्थ केयर। और यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये डायरेक्शन दी जाती है कि वो वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करेंगे इन पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। तीसरी है, यहाँ पे बात की गई कि यहाँ पे गठन किया जाएगा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर का, फॉर persons विल बी सेट अप टू एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन रिलेटेड टू ट्रांसजेंडर पर्सन। तो यहाँ पे जो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर होगी वो क्या करेगी, पॉलिसी लेजिस्लेशन इन सबसे रिलेटेड यहाँ पे एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। साथ ही इट विल ऑल्सो मॉनिटर एंड इवेल्युएट दी पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी सरकार बनाएगी उनको इवेल्युएट भी किया जाएगा। आपको बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। आपके ऑप्शन है A 1 and 2 ओनली, B 2 and 3 ओनली, C 1 and 3 ओनली, या D ऑल ऑफ दी अबव। तो जल्दी से अपने अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आज आपको पहली खबर मिलती है कि नीति आयोग ने एक स्ट्रेटेजी निकाली है नए भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए @75। तो जब हम लोग हमारे 75 ईयर्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे उस तक हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, मतलब 2022 तक हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उस स्ट्रेटेजी को यहाँ पे रिवील किया है नीति आयोग ने। न्यूज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें नीति आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। नीति आयोग को 2015 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एस्टैब्लिश किया था, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर से बनाई गई है नीति आयोग। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये बेसिकली एक पॉलिसी थिंक टैंक है भारत सरकार का, और मेन मकसद क्या है कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उन्हें हम अचीव कर सके। यहां पे हम जिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो आपस में अच्छी तरीके से काम करें, स्टेट और यूनियन के बीच में यहां पे कोऑपरेशन बना रहे, उनके ऊपर यहां पे काम करती है नीति आयोग। बहुत सारे ये विजन डॉक्यूमेंट्स भी निकालती है, 15-year vision document, 7-year vision document, 3-year vision document, इसके साथ साथ बहुत सारे मिशन भी चलाती है, स्कीम्स भी चलाती है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन। इसके साथ साथ देखो, जो हमारी प्लानिंग कमीशन थी उसको खत्म किया गया था 2015 के अंदर, और उसके बाद यहां पे एस्टैब्लिश किया गया था नीति आयोग को। एक चीज और, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के। स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1 पे जो न्यूज है, स्ट्रेटजी जो हमारे सामने आई है 75 ईयर जब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे उसके लिए, नए भारत की जो स्ट्रेटजी है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। हेडलाइन है 9% ग्रोथ बाय 2022 मस्ट टू जनरेट जॉब्स, ऐसा कहना है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट का। तो स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया रिलीज किया है, जहां पे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स यहां पे बताया गया है कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ना चाहिए, क्या क्या हमें रिफॉर्म लाने चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो लेबर लॉज है उनको हमें किस तरीके से यहां पे कोडिफाई करना चाहिए। यहां पे बोला गया है कि जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ होगा वो 9% होना चाहिए बाय 2022-23 फिस्कल ईयर की यहां पे बात हो रही है। अगर हम इस पर्टिकुलर ग्रोथ को अचीव कर लेते हैं तो ही हम लोग सफिशिएंट नंबर ऑफ जॉब्स और जो प्रोस्पेरिटी हम लोग अचीव करना चाहते हैं, जो हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर साइन आउट की हैं, उन्हें अचीव कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि वहां तक पहुंचने के लिए 2018 से लेकर 2023 तक जो ग्रोथ होनी चाहिए इंडिया की वो 8% की होनी चाहिए। यहां पे यह बताया गया है कि जो हमारी इकोनॉमी का जो साइज है इन रियल टर्म अगर हम लोग बात करें, वो इस समय $2.7 trillion क्या है 2017-18 वाले फिस्कल ईयर की यहां पे बात हो रही है, और उसको बढ़ा के, उसको रेज आउट करके हम लोग कर देंगे $4 trillion का बाय 2022-23। इसके साथ
साथ साथ यहाँ पे रैपिड ग्रोथ जरूरी है, तभी हम लोग अचीव कर पाएंगे इंक्लूसिव सस्टेन्ड क्लीन एंड फॉर्मलाइज्ड इंडिया। यहाँ पे बात की गई है कि भारत सरकार का जो टारगेट है वो ये है कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है इंडिया के अंदर वो भी 29% जो अभी है 2017-18 के अंदर उससे बढ़ के 36% हो जाए हमारे जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का। इसके साथ साथ टैक्स जीडीपी रेशियो की भी बात हुई, यहाँ पे जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको भी बढ़ा दिया जाए 17% से यहाँ पे बढ़ाकर कर दिया जाए 22%। तो इंडिया का जो टैक्स जीडीपी रेशियो की अगर हम लोग बात करें वो इस समय 17% है, जो बाकी वही जो OECD कंट्रीज से अगर हम लोग कंपेयर करें उनका आधा है, वहाँ पे टैक्स टू जीडीपी रेशियो 35% है। हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो वो एमर्जिंग इकोनॉमीज से भी कम है, ब्राजील के अंदर 34% है, साउथ अफ्रीका के अंदर 27% है और यहाँ पे चाइना के अंदर 22% है। यहाँ पे बात की गई कि टैक्सेशन जो सिस्टम है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी यहाँ पे जो बात थी वो ये थी कि इट फर्दर सेड दैट देयर वाज अ नीड टू ईज द टैक्स कंप्लायंस बर्डन। जो टैक्स कंप्लायंस बर्डन है उसे हमें कम करने की जरूरत है। यहाँ पे जो डायरेक्ट इंटरफेयर किया जाता है टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिशियल्स के बीच में यूजिंग द टेक्नोलॉजीज, उनके ऊपर कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाता है, उस पर्टिकुलर इंटरफेरेंस को भी यहाँ पे एलिमिनेट करने की, कम करने की जरूरत है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की गई है एग्रीप्रेन्योर्स के बारे में, तो जैसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से डील करते हैं, मतलब हमारे जो फार्मर्स हैं जो कि आज की डेट में एक बिजनेसमैन भी बन चुके हैं, खासकर जब से ई नैम मार्केट में आया है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट सबसे हमारे सामने आई है, जिसने APMC एक्ट को और जो मार्केट्स थी उन्हें कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया है। ऑनलाइन आज की डेट में सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, तो फार्मर्स को भी कन्वर्ट कर दिया गया है टू द एग्रीप्रेन्योर्स। ये जो डॉक्यूमेंट है इसने इस चीज़ को भी साफ किया कि हम लोग पहुँचे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग टेक्निक की तरफ, जो कि रिड्यूस करती है कॉस्ट, इम्प्रूव करती है लैंड क्वालिटी और इंक्रीज करती है फार्मर्स इनकम। मैं आपको इसमें एक और करंट अफेयर बता दूं, अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश से एक न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे बहुत सारे IT इंजीनियर्स ऐसे हैं जो कि अपनी जॉब छोड़कर वहाँ पे फार्मिंग के अंदर जा रहे हैं। वहाँ पे फार्मिंग के अंदर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया और वहां पे जो हमारे जो इंजीनियर्स थे उनको ज्यादा इनकम फार्मिंग के अंदर नजर आ रही है। तो अगर पूरे देश में इस तरीके की चीजें इंट्रोड्यूस हो जाएंगी तो जो एग्रीकल्चर का जो यहां पे कंट्रीब्यूशन है हमारी GDP के अंदर वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर बात की गई कि जो फ्री ट्रांसपोर्ट है कोस्टल शिपिंग की मदद से या इनलैंड वाटरवेज की मदद से, उसको भी हम लोग डबल कर देंगे, दो गुना कर देंगे बाय 2022-2023। यहाँ पे इस चीज़ को भी सामने रखा गया कि जो विलेजेस हैं उनको भी हमें जल्द से जल्द डिजिटलाइज करना ही पड़ेगा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे ही आपको मिलती है बिल बैनिंग कमर्शियल सरोगेसी पास इन लोकसभा। तो हमारी जो लोकसभा है उसने कल एक बिल को पास किया, बिल का नाम है सरोगेसी रेगुलेशन बिल ऑफ 2016, जिसने कमर्शियल सरोगेसी को यहाँ पे बैन किया है। पर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है जिसके साथ अगर सरोगेसी होती है तो उस चीज़ को अलाउ किया गया है। सबसे पहले आप बिल थोड़ी सी अपनी स्क्रीन पे देखो कि तो सबसे पहले आप हाईलाइटेड पोर्शन देखो, लोकसभा ने पास किया सरोगेसी रेगुलेशन बिल ऑफ 2016, जिसका मेन मकसद था जो कमर्शियल तो सबसे पहले आप हाइलाइट्स वाले पोर्शन में देखो, लोकसभा ने पास किया सरोगेसी रेगुलेशन बिल ऑफ 2016, जिसका मेन मकसद था कमर्शियल सरोगेसी को बैन करना और जो महिलाएं हैं जो कि सरोगेसी की वजह से एक्सप्लॉइट हो रही हैं उनको प्रोटेक्शन देना। यहाँ पे लोकसभा ने इस बिल के अंदर इस चीज़ को भी प्रपोज किया कि जो ऑल्ट्रेस्टिक सरोगेसी होती है बाय इनफर्टाइल इंडियन कपल्स वो अलाउ किया जाए फ्रॉम अ क्लोज रिलेटिव। तो कोई अगर इनफर्टाइल इंडियन कपल है और वो बच्चा चाहते हैं तो वो अपने किसी क्लोज रिलेटिव से बात करके उसको एज अ सरोगेट मदर बना के यहाँ पे बच्चा ले सकते हैं। यहाँ पे पीनल प्रोविजन भी बताया गया है, अगर कोई कमर्शियल सरोगेसी करता है तो उसको 10 साल की सजा और फाइन लग सकता है 10,00,000 रुपए तक का, ठीक है। तो जो इंडियन रिलेटिव्स हैं सिर्फ वही यहाँ पे सरोगेट मदर बन सकती हैं। और यहाँ पे इनफर्टाइल कपल कब माना जाएगा? जब शादी के 5 या उससे ज़्यादा साल हो जाएंगे और तब भी कोई बच्चा नहीं होगा। और यहाँ पे जो सरोगेट मदर होगी, जो कि इस अल्ट्रोइस्टिक कुछ रीजंस की वजह से हो रही हैं, जो कि एक इंडियन रिलेटिव भी हैं उस पर्टिकुलर कपल की, तो वहाँ पे जो सरोगेट मदर है शी शैल नॉट बी पेड एनी कंपनसेशन एक्सेप्ट मेडिकल एक्सपेंसेस एंड इंश्योरेंस। सिर्फ दो ही चीज़ों के यहाँ पे पैसे दिए जाएंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस के और इंश्योरेंस के।
मैं एक चीज़ और यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो सिंगल्स हैं, होमोसेक्सुअल्स हैं और जो लिव इन कपल्स हैं, उनको भी यहाँ पे मना किया गया है कि वो लोग सरोगेसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अभी हमारे सामने एक बड़ा वर्डिक्ट सुनाया था कि जो सेक्शन 377 है उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। मतलब होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने माना था और बोला था कि उनके भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है सेक्शन 377। उस पर्टिकुलर डिसीजन के बावजूद भी यहाँ पे जो हमारे सामने बिल आया है सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016, उसके अंदर यहाँ पे होमोसेक्सुअल्स को मना किया गया है सरोगेसी के लिए। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ से पहले आपके सामने आएगी एक तस्वीर। ये न्यूज़ है एयरफोर्स अलाई की, एंग्री बर्ड इज एयरबॉर्न। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-7A को हम लोगों ने कल लॉन्च किया 4 बजे के आसपास, एंड इट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो फ्रॉम श्रीहरिकोटा। तो यहाँ पे कुछ डिटेल लेते हैं GSAT-7A के बारे में, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जामिनेशन के लिए। GSAT-7A जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, स्पेशली हमने हमारी इंडियन एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए लॉन्च करी है, पर इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी भी करेंगी, पर मैक्सिमम अप्रॉक्सीमेटली 70% जो इस्तेमाल है वो इंडियन एयरफोर्स करने वाली है। जो हमारी GSAT-7A है उसका वजन 2250 kg का है और इसकी जो मिशन लाइफ है वो 8 ईयर्स की रहने वाली है। GSAT-7A को लॉन्च किया गया विद द हेल्प ऑफ GSLV-F11। जो GSLV-F11 है वो GSLV Mark II है, Mark II वाला रॉकेट है जो कि स्पेशलाइज क्रायोजेनिक इंजन के साथ यहाँ पे वर्क करता है। जो हमारा GSLV Mark II है उसका बहुत ही एडवांस्ड वर्जन है। ये 13th फ्लाइट थी हमारे GSLV की, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, जिसने यहाँ पे GSAT-7A को लॉन्च किया जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। जो हमारी सैटेलाइट है GSAT-7A है वो 35th इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसका वजन मैंने आपको बता दिया 2250 kg का है। यहाँ पे कुअर का वैले बैंड के अंदर ऑपरेट करने वाली है हमारी GSAT-7A, और मेन चीज ये है जो एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट जो कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर हो सके। यहाँ पे जो GSAT-7A है वो इंटरलिंक करेगी हमारे जितने भी ग्राउंड रडार स्टेशन है उनको, साथ ही कंट्रोल करने की कोशिश करेगी हमारे एयरक्राफ्ट को, जिससे हमारी जो सर्विलियंस है वो उतनी ही ज्यादा बेहतर हो सके। यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा इंडियन एयरफोर्स की एयर सुपीरियोरिटी को, यहाँ पे इंटेलिजेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जो वेसल्स होते हैं और जो बाकी सारे व्हीकल्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकेंगे हम लोग GSAT-7A की मदद से। और खासकर जो हमारा एयरबेस एंड एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम है उसमें भी हमारी और भी ज्यादा बेहतरी हो सकेगी। और ये जो हमारी फ्लाइट थी 7 थी फ्रॉम दी श्रीहरिकोटा 2018 के अंदर, और 2018 की ये आखिरी फ्लाइट थी हमारी किसी सैटेलाइट की या हमारी किसी लॉन्च व्हीकल की। तो इंपॉर्टेंट चीजें थी ये सारी की सारी GSAT-7A के बारे में। और याद रखना जो GSLV-F11 है वो ही GSLV Mark II है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था तो बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर चीज में यहां पर कंफ्यूज होते हुए मुझे नजर आए थे। इसके साथ साथ आप देखोगे इसरो की तरफ से एक और न्यूज़ आई कि GSLV के इम्प्रूव्ड वर्जन मतलब F-10 और F-12 मिशन भी हमें देखने को मिलेंगे 2019 के अंदर, और वो भी और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी सैटेलाइट को पहुंचा पाएंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है ये हमारा GSAT-7A, और देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कितनी जल्दी यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स करती हुई हम लोगों को नजर आएगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ यहाँ पे लिंक करती है मणिपुर से, और न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो यहाँ पे एक मणिपुर जर्नलिस्ट थे जिनको बेल ग्रांट की गई थी पिछले ही महीने, उनको अरेस्ट किया गया था सेडिशन के चार्ज के लिए। उन्होंने यहाँ पे कुछ फेसबुक पोस्ट डाल दी थी जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर के खिलाफ थी। उन्होंने उनको बोल दिया था पपेट ऑफ हिंदुत्व। उनको फिर से यहाँ पे अरेस्ट कर दिया गया है, डिटेन कर दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 12 महीने के लिए। अब हम लोगों के लिए इस न्यूज़ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980 के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पे इन्हें डिटेंशन दी गई है। देखो यहाँ इकलौता ऐसा एक्ट नहीं है या पहला ऐसा एक्ट नहीं है हमारे देश में जो कि यहाँ पे डिटेंशन प्रोवाइड करता है। आपको मॉडर्न इंडिया में याद होगा हमारे सामने आया था रोलेट एक्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे जलिया वाला बाग वाला केस भी हुआ था। उन सब चीज़ों को याद करो, मॉडर्न इंडिया को याद करो, उन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर होते हुए हमारे सामने आता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1980। इसको इंडियन पार्लियामेंट ने यहाँ पे इनेक्ट किया था 23rd of September 1980 के अंदर, जिसका मेन पर्पज था यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करना कुछ सर्टेन केसेस में, कुछ लिमिटेड केसेस में यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन प्रोवाइड करना, मतलब लोगों को डिटेन करना किसके लिए, प्रिवेंशन के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे कुछ लोगों को डिटेन कर लेना।
यहाँ पे और भी बहुत सारे मैटर्स थे जो कि इससे रिलेट करते हुए आते हैं। ये जो एक्ट है ये पूरे के पूरे भारत के लिए अप्लाई होता है, पर जम्मू एंड कश्मीर के लिए अप्लाई नहीं होता है। इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर 18 सेक्शन है। ये जो एक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे एम्पावर करता है, स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पे एम्पावर करता है कि वो डिटेन कर सकते हैं किसी भी पर्सन को, किसी भी यहाँ पे इंसान को यहाँ पे डिटेन किया जा सकता है, टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम एक्टिंग इन एनी मैनर जो कि हमारी देश की सिक्योरिटी के खिलाफ हो। तो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे डिटेंशन की जाती है। ये जो एक्ट है इसे पास किया गया था 1980 के अंदर, उस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि देश में एक नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, 1980 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ भी यहाँ पे है, ग्रीन इन्वेजन। पहले आप तस्वीर देखो अपनी न्यूज़ पे और फिर मैं बताऊंगा मैंने ये पर्टिकुलर पिक्चर आपको क्यों दिखाई है। ग्रीन इन्वेजन, यहाँ पे एक पिक्चर है, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, आपको जो ग्रीन ग्रीन साइड की चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो कोई यहाँ पे कोई लश ग्रीन यहाँ पे चीज़ नहीं है, असलियत में वो रिवर वाटर ही था जिसके ऊपर यहाँ पे वाटर हैसिंथ ने यहाँ पे कब्जा जमाया हुआ है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जाना वाटर हैसिंथ के बारे में। बेसिकली एक इन्वेजिव स्पीसीज है, एक एक्वेटिक इन्वेजिव स्पीसीज है। अब इसी स्पीसीज़ को मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत बड़ा रोल है इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ का। इस स्पीसीज से रिलेटेड अभी 2017 में भी खबर आई थी, 2018 के यहाँ पे फरवरी के अंदर भी हम लोगों ने खबर देखी थी कि अमेरिकन्स बहुत ज़्यादा परेशान है इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को लेकर, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, जो रिवर फ्लो होता है उसको रोक देती हैं पर्टिकुलर स्पीसीज़, और जो हमारा एक्वेटिक इको सिस्टम होता है उसको भी नुकसान पहुँचाती हैं। इस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को इंडिया में भी बंगाल टेरर, ब्लू डेविल या नॉक्स स्पीसीज के नाम से भी जानते हैं। याद रखना है, इट इज एन इन्वेजिव स्पीसीज। आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आएंगे कि इनमें से कौन कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो वाटर हैसिंथ की मैं बात कर रहा हूँ वो एक इन्वेजिव स्पीसीज है। उसके यहाँ पे हमें दिखता है कि बहुत सुंदर सुंदर है, लश ग्रीन हो चुका है, पर्पल पर्पल फ्लायर भी आते हैं इसमें, बट जो वाटर फ्लो होता है वो रुक जाता है, पानी स्टेग्नेंट हो जाता है, उस वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो भी हम लोगों को बढ़ता हुआ नजर आता है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। मैंने आपके साथ अक्टूबर के महीने में डिस्कशन लिया था पंपा वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पंपा वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे हुई थी, पंपा नदी है यहाँ पे केरला के अंदर पड़ती है, उसके कंजर्वेशन की भी यहाँ पे हम लोग कई दिनों से बात कर रहे हैं। उस नदी के अराउंड यहाँ पे है पंपा वैली सिविलाइजेशन। पंपा रिवर से रिलेटेड एक और चीज़ याद रखोगे, जो हमारा सबरीमाला टेम्पल है जिसके बारे में अच्छा खासा डिस्कशन हम लोगों ने लिया था, वो भी ये पंपा रिवर के ही किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ पे जो पंपा वैली सिविलाइजेशन है जो कि अरनमुला के अराउंड पड़ती है, वहाँ पे हमें बहुत सारा एक्सकवेशन देखने को मिला था, जहाँ पे हमें मेल बस्ट देखने को मिला था, फीमेल फेस देखने को मिला था, ऑर्नामेंट्स देखने को मिले थे, टेराकोटा पीसीस हम लोगों को देखने को मिले थे, और हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को क्लेम किया था कि वो 1000 से 2000 साल पुराने हो सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं और वहाँ पे रिसर्च करना चालू कर दिया है। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हंट फॉर हिस्ट्री एट पंपा बेसिन, तो यहाँ पे एक्सकवेशंस को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे देखा गया है कुछ यहाँ पे फिशरमैन्स थे जिनको टेराकोटा की फिगरीन्स मिली थी, उनके ऊपर यहाँ पे देखा गया स्नेक हेड्स मिले, मेल फिगर्स मिली, और 800 से 1200 साल के बीच में यहाँ पे बताया जा रहा है कुछ हिस्टोरियंस द्वारा, पर 1000 से 1200 ईयर्स पुरानी ये सिविलाइजेशन हो सकती है। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आपको इन ब्रीफ वाले सेक्शन में मिलती है न्यूज़, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ रही है, रिलेट कर रही है ऑलिव रिडले टर्टल से। सबसे पहले आपको बताऊंगा ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ऑलिव रिडले टर्टल, जिनको हम लोग पैसिफिक रिडले सी टर्टल्स के नाम से भी जानते हैं, ये खासकर जो मीडियम साइज स्पीसीज होती है और ये वार्म और ट्रॉपिकल वाटर्स में हम लोगों को देखने को मिलती है। हमारे देश में उड़ीसा के अंदर जो भीतरकनिका के अराउंड जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर हम लोगों को देखने को मिलते हैं ऑलिव रिडले टर्टल्स। साथ ही IUCN स्टेटस की बात करूँ तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आते हैं, पर इनकी प्रोटेक्शन बहुत ही हाईएस्ट लेवल पर रखी जाती है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर भी इन्हें रखा गया है। ये सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा अबंडेंट हैं सी टर्टल्स में से अगर हम लोग बात करें तो। अब आप न्यूज़ के ऊपर ध्यान दो, न्यूज़ कह रही है ऑलिव रिडले कंग्रेट्स
फॉर मेटिंग सीजन। तो मेटिंग सीजन आता है यहाँ पे नवंबर से लेकर जनवरी तक स्टार्ट हो जाता है ऑलिव रिडले टर्टल्स को, और हमें ये इंडिया में दिखाई देते हैं, खासकर यहाँ पे जो ऋषिकुला कोस्ट है उसके अराउंड उड़ीसा के अंदर। अब ये चीज़ इसलिए मैंने यहाँ पे रखी है क्योंकि उस समय पे जो उड़ीसा सरकार है उसने कुछ इस तरीके के प्रावधान किए हुए हैं कि जो कोस्ट के अराउंड जितनी भी लाइट्स होंगी वो रात के समय पर बंद हो जाती हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। जो फेंसिंग है उन्हें भी हटा दिया जाता है जिससे जो रिडले टर्टल्स हैं उनको हर्टिंग ना हो, उनको कोई भी चीज़ ना हो, और यहाँ पर उनके लिए फूड वगैरह भी प्रोवाइड किया जाता है सरकार द्वारा। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बात हो रही है स्वामीनाथन डिस्टेंसेस हिमसेल्फ फ्रॉम जीएम पेपर्स। तो जो एम एस स्वामीनाथन जी हैं उनकी अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, हम लोगों ने एक रिसर्च पेपर के बारे में बात की थी जिसका नाम था मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल फूड एंड न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी, जिसको दो लोगों ने कोऑथर किया था। एक थे हमारे फूड एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जिनका नाम हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन की वजह से जानते हैं, एम एस स्वामीनाथन और पी सी केशवन। दोनों ने इस रिसर्च पेपर में बोला था कि हमारे देश में जो जीएम क्रॉप्स का जो पर्टिकुलर मेथड है, खासकर जीएम कॉटन का, वो फेलियर रहा है। इसके बाद एक और न्यूज़ हमारे सामने आई थी कि जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं पीएसए है के विजय राघवन, उन्होंने बोला था कि ये जो रिपोर्ट है ये डीपली फ्लॉड है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस पर्टिकुलर हमारी रिपोर्ट के अंदर। उससे रिलेटेड यहाँ पे एक और न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो एम एस स्वामीनाथन ने अपने आप को इस रिसर्च पेपर से दूर हटाने की कोशिश करी है, उन्होंने बोला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के वो सपोर्टर हैं और उन्होंने ये सारी जो चीज़ें कही हैं ये कुछ साइंटिफिक बेसिस पर कही हैं, और उन्होंने इस चीज़ को भी सामने रखा है कि काश वो इस रिपोर्ट का पार्ट नहीं होते। मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि इस रिपोर्ट ने क्या बोला। इस रिपोर्ट ने यहाँ पे देखा था कि जो क्रॉप डेवलपमेंट है इंडिया के अंदर, खासकर जो हमारी ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं जैसे बीटी कॉटन है या बीटी ब्रिंजल है या DMH11 है जो कि एक मस्टर्ड वेराइटी है, उनकी अगर हम लोग बात करें तो उनकी कितनी ज़्यादा फ्लॉड है, उनमें कितनी ज़्यादा कमी है और कितनी ज़्यादा नेगेटिव फैक्टर हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने भी इस चीज़ को भी साफ कर दिया था कि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको भी यहाँ पे नेगेटिव डाउनफॉल देखने को मिला है ड्यू टू द बीटी। ओके, तो इन फार्मर्स के लिए अच्छी नहीं रही है खबर। यहाँ पे जो बीटी कॉटन है सिर्फ वही आज की डेट में हमारे देश में अलाउड है कमर्शियली, बीटी ब्रिंजल या DMH11 या जो मस्टर्ड वैरायटी है वो साइंटिफिक रेगुलेटर्स ने तो क्लियर कर दी है पर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पास नहीं कर रही। तो यहाँ पे डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपने इस बिलीफ को रिट्रेट करते हुए बोला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज अनसुटेबल फॉर क्रॉप दैट फेस बायोटिक स्ट्रेसेस। बायोटिक स्ट्रेसेस मतलब जिनके ऊपर इंसेक्ट के होने के साथ पेस्ट के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग सही नहीं है क्योंकि बहुत सारी एबायोटिक स्ट्रेसेस से उनको अपने आप को झेलना पड़ता है जैसे टेम्परेचर और सैलिनिटी। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 7 पे ही आपको एक और खबर मिलती है। खबर आई है हमारे तेजस के बारे में। तेजस जो कि इंडिजीनियसली मेड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसने यहाँ पे फ्यूल ड्रॉप टैंक टेस्ट यहाँ पे पास कर लिया है, और न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो तेजस फ्यूल ड्रॉप टैंक पुट थ्रू टेस्ट इन चेन्नई। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट था। इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ड्रॉप टैंक होता है जिसको देखा जाता है कि अगर कभी भी हमारा एयरक्राफ्ट किसी भी मुसीबत में हो, क्या वो उस जो टैंक है उसको नीचे ड्रॉप करके इमरजेंसी केस के अंदर भी फ्लाई कर सकता है। तो कुछ यूएस मिलिट्री के स्टैंडर्ड्स हैं, उनके कुछ स्पेसिफिकेशन है, उसके हिसाब से यहाँ पे टेस्ट को कैरी आउट किया गया था और अच्छी खासी कंडीशन में यहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म किया हमारे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने, तेजस ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेस्ट था। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी के केसेस के लिए इस टेस्ट को यहाँ पे लिया गया था। याद रखना फ्यूल ड्रॉप टैंक टेस्ट यहाँ पे क्यों होता है और किस लिए यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 10 पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर ये है कि प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो जून 20 को क्या हुआ था, बीजेपी और जो पीडीपी की जो गवर्नमेंट है वो टूट गई थी, उसके बाद गवर्नर्स रूल लग गया था जून 20 को, और गवर्नर्स रूल जब लग जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उसके 6 महीने के अंदर अंदर अगर कोई भी सरकार नहीं बनती है तो यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोगों को प्रेसिडेंट रूल अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल नंबर 92 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर ही हमारे देश में इकलौती ऐसी स्टेट है जिसके पास अपना अलग से संविधान है। तो उसके अंदर क्या होता है, जो अब लेजिस्लेटिव पावर जो है जितनी भी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर का जो यहाँ पे लेजिस्लेचर है उसकी, वो इस समय आ गई हैं भारतीय पार्लियामेंट के पास, उससे पहले यहाँ पे वो गवर्नर के पास थी। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्रेजिडेंट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम टुडे, तो प्रेजिडेंट्स रूल आ गया है जून 20 के बाद, यहाँ पे जून दिसंबर को पूरे हुए 6 महीने और पावर ट्रांसफर हम लोगों को होती हुई नजर आई। जो गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी जो कि रिकमेंड
डिमांड कर रही थी कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे स्टेट में इम्पोज करा दिया जाए और इस पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन के बाद जो पावर थी जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेशन की वो यहाँ पे आ गई है पार्लियामेंट की अथॉरिटी के अंदर। बढ़ते हैं आगे आ जाते हैं वर्ल्ड वाले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट खबर आई है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इस चीज़ को अनाउंस किया है कि सीरिया के अंदर जो उनके ट्रूप्स हैं, जो उनके मिलिट्री मेंस हैं, उनको वो लोग वापस बुला लेंगे। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यूएस अनाउंसेस सीरिया ट्रूप्स पुल आउट। तो सीरिया के अंदर अगर हम लोग बात करें, यूएस की अप्रॉक्सीमेटली 2000 ट्रूप्स हैं जो कि स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेज हैं, यहाँ पे जो आईएस है उसके खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे थे 2014 के अंदर, जब आईएस ने अपना कब्जा जमा लिया था सीरिया और इराक के अंदर। उसके बाद यूएस ने बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ट्रूप्स को भेजा था यहाँ पे इराक के अंदर, तो अभी भी फोर्सेस रहेंगी, पर सीरिया के अंदर जो फोर्सेस हैं उनको वापस बुलाने का समय आ गया है, ऐसा कहना है यूएस का। और यूएस ने बोला है कि ये जो हमारा कैंपेन था वो सक्सेसफुल रहा और हमने जो टेरिटोरियल कैलिफेट है उसको यहाँ पे डिफीट कर दिया है। ओके, यहाँ पे जो मैक्सिमम जो अटैक था वो आप लोग देखोगे वो कतर के एयरबेस से उड़ते हुए यूएस के ड्रोन्स ने और एयरक्राफ्ट्स ने वो एयर फ्लाइट्स के थ्रू ही किया था, एयर अटैक के थ्रू ही किया था, बट फिर भी यहाँ पे फोर्सेस लगाई हुई थी। अब यहाँ पे जो कम्प्लीटली कब यहाँ पे यूएस ट्रूप्स हमें विड्रॉ होती हुई नजर आएंगी वो तो हम आगे ही देखेंगे, बट फाइनली इस चीज़ को अनाउंस कर दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ने। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग आ गए हैं इकोनॉमी वाले सेक्शन की तरफ। यहाँ पे नए गवर्नर के आने के बाद, 25th गवर्नर के आने के बाद, शक्तिकांत दास जी के आने के बाद, हम लोगों ने सोचा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हंगामा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे आज जो खबर आई है वो ये है कि 4 बैंक ऐसे हैं जिनको पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जा सकता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाले फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जा सकता है। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क क्यों लगता है, किन बैंक्स पे लगता है? देखो, जब भी आरबीआई को लगता है कि कोई जो बैंक्स हैं वो डूब रहे हैं, वो डूबती हुई यहाँ पे कंडीशन में हैं और उनके जो एनपीए वाले असेट्स हैं बढ़ते जा रहे हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कैपिटल वेटेड एडिक्वेसी रेशियो को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो उनके ऊपर यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क लगा देती है आरबीआई, जिसके अंदर यहाँ पे उनको कुछ चीज़ों को मेंटेन करना पड़ता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए दिए जाते हैं, जैसे वो यहाँ पे बैंक ब्रांचेस नहीं खोल सकते बिना आरबीआई की परमिशन के, और उन्हें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्क ही करना पड़ता है। अब यहां पे आप देखोगे 11 जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऊपर पीसीए फ्रेमवर्क लगा हुआ था, और यहाँ पे सरकार कई दिनों से डिमांड कर रही थी, जितनी भी मीटिंग चल रही थी तब से डिमांड कर रही थी कि पीसीए फ्रेमवर्क को यहाँ पे रिलैक्स किया जाए और कुछ बैंक को यहाँ पे पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर निकाला जाए। रीज़न क्या था? रीज़न यही था कि यहाँ पे जो देश में जो क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो कम हो रही थी, क्योंकि बैंक के ऊपर कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 4 बैंक्स को डिसाइड किया जा चुका है, ऐसा हो सकता है कि वो पीसीए फ्रेमवर्क से बाहर आ जाए। बैंक कौन कौन से होंगे? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोऑपरेशन बैंक, अलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। रीजन क्या? रीजन आरबीआई ने ये कोट किया है कि उन्होंने इंप्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखाई है और बैंकिंग इंडस्ट्रीज के सोर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है। यहाँ पे जो 11 बैंक्स हैं उनका रिव्यू हुआ, बोर्ड ऑफ फिनेंशियल सुपरविजन ऑफ आरबीआई बैठी थी, उन्होंने हाफ ईयरली परफॉर्मेंस को यहाँ पे रिव्यू किया और बोला कि इन बैंक्स को हम लोग बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पे भारत सरकार का ये भी कहना है कि उनको बाहर लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ पैसे भी इन्फ्यूज़ करने के लिए तैयार है, उनको पैसे भी दे सकती है, जिससे जो उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हुई हम लोगों को नज़र आए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारे 24th आरबीआई गवर्नर, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उनसे लिंक आई है। उर्जित पटेल जी ने इस चीज़ की वार्निंग दी है कि अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन ड्यू टू फिस्कल स्लिपेज। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, पटेल वॉन्ड ऑफ अपसाइड रिस्क टू इन्फ्लेशन ड्यू टू फिस्कल स्लिपेज। तो यहां पे उर्जित पटेल जी ने बोला है कि गवर्नमेंट का जो फिस्कल स्टैंस है आज की डेट में वो शॉक एम्पलीफायर का काम कर रहा है। अभी के शॉर्ट टर्म में जो शायद सरकार को अच्छा लगे, पर वो शॉक को और ज्यादा बढ़ा सकता है, इन्फ्लेशन को इंक्रीज कर सकता है ड्यू टू द फिस्कल स्लिपेजेस, क्योंकि जो फिस्कल कंडीशन है हमारे देश में वो कंट्रोल में नहीं है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में नहीं है, और जो आज की डेट में शॉक एब्जॉर्वर का काम होना चाहिए था वो शॉक एम्पलीफायर का काम हो रहा है। एम्पलीफायर का मतलब होता है वो उस चीज को यहां पे बढ़ा रहा है। इस चीज को वहां पर हमारे डिप्यूटी गवर्नर डॉक्टर विरल आचार्य जी ने भी कंफर्म किया, उन्होंने भी इस चीज को बोला कि जो फिस्कल स्लिपेजेस है दैट वाज विद इन द रियल्म ऑफ रीजनेबल पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी, और जिस तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइजेस गिर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी देती है फिस्कल कंसोलिडेशन की। पर यहाँ पे इन्फ्लेशन भी हम लोगों को उसी की वजह से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि इंटरेस्ट रेट को हम लोगों ने चेंज नहीं किया था, और यहाँ पे जो RBI का जो स्टैंस था उसको भी कैलिब्रेटेड टाइटनिंग पे हम लोगों ने मेंटेन किया। आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला पेज है पेज नंबर 14। यहाँ पे आपको खबर मिलती है पैकेजिंग ऑफ फूड ग्रेन इन जूट पैक्स मेड मैंडेटरी। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन, एक ऑर्डर निकाला है जिसमें यहाँ पे पैकेजिंग ऑफ 100% ऑफ फूड ग्रेन्स और 20% ऑफ शुगर इन जूट बैग्स को मैंडेटरी कर दिया है। तो जूट के जो बैग्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स होंगे उनकी पैकेजिंग 100% होगी, और जो शुगर से रिलेटेड जो आइटम होते हैं उनसे यहाँ पे 20% पैकेजिंग की जाएगी 2018-19 वाले ईयर के अंदर, और इसको डाइल्यूट भी किया जा सकता है, इसको ओपन रखा गया है। बट यहाँ पे अभी ये पर्टिकुलर ऑर्डर सामने आया है जूट पैकेजिंग को रिलेट करते हुए, न्यूज आपकी कंप्यूटर स्क्रीन कर। ये जो ऑर्डर है फॉलो कर रहा है जूट पैकेजिंग मटेरियल कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट, जो कि 1987 में पास किया गया था। रीजन क्या था उस एक्ट को पास करने का, वो ये था कि जूट के अंदर बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। तो जूट फार्मर्स थे, जूट के अंदर जितने भी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर से रिलेटेड चीजें थी वो बहुत ज्यादा गिरती जा रही थी। उन्हें बचाने के लिए सरकार ने एक नया प्रावधान सामने रखा कि जूट का इस्तेमाल ही हो यहाँ पे बैग्स के तौर पर फूड ग्रेन्स के अंदर, यहाँ पे शुगर केन की पैकेजिंग के अंदर, शुगर की पैकेजिंग के अंदर, साथ ही आप देखोगे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, सीमेंट्स होते हैं, उनकी पैकेजिंग के अंदर। इसलिए सरकार लेकर आई थी जूट पैकेजिंग मटीरियल्स एक्ट ऑफ 1987। हमारे देश में वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश दो ऐसी यहाँ पे स्टेट्स हैं जो कि लार्जेस्ट जूट गुड्स प्रोड्यूसर्स हैं, और पंजाब सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोक्योरिंग स्टेट है जूट की। इसके साथ साथ जो गनी बैग्स हैं वो रॉ जूट कंजम्पशन का 63% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। आपने भी अपनी लाइफ में ज़्यादातर जो जूट का इस्तेमाल है वो या तो कपड़ों में देखा होगा या गनी बैग्स के रूप में देखा होगा। जूट सेक्टर के अंदर 3.7 लाख मिल वर्कर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और इसके साथ साथ कई लाख फार्मर्स की फैमिली भी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहती हैं जूट सेक्टर के अंदर। याद रखना जो मैंने अभी आपको बताया कि सेंटर ने अभी रिसेंटली मैंडेट किया है कि 100% फूड ग्रेन्स की और 20% शुगर की जो पैकेजिंग होगी वो जूट बैग्स के अंदर ही देखने को हम लोगों को मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे न्यूज़ आई है प्रभु फ्लैग्स एंजल टैक्स टू फिनमिन। तो जो एंजल टैक्स लगाया जाता है सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उससे रिलेट करते हुए यहाँ पे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर सुरेश प्रभु जी ने यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर कुछ इश्यूज को सामने रखा है। हमारे लिए एग्जाम रिलेवेंट हो जाता है यहाँ पे एंजल टैक्स को समझना, पर उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये एंजल इन्वेस्टर होते क्या हैं। अब मान लो मैंने कोई यहाँ पे एक स्टार्टअप इस्टेब्लिश करी है, उसको चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत होती ही है। अब वो पैसे कहाँ पे आएंगे? मैं कुछ इन्वेस्टर्स को यहाँ पे अप्रोच करूँगा, और यहाँ पे मेरी कंपनी में क्योंकि अभी इस्टेब्लिश भी नहीं हुई है, अभी एक स्टार्टअप कंपनी है, उसके अंदर कुछ लोग जो यहाँ पे शुरू में इन्वेस्ट करेंगे उनको एंजल इन्वेस्टर्स के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि वो एक परी का काम कर रहे हैं। मेरे लिए तो वो एक परी का ही काम कर रहे हैं कि वो मेरे एक नई स्टार्टअप के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर वो जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मेरे स्टार्टअप की वैल्यूएशन से ज़्यादा है, जितना वो अमाउंट ज़्यादा होता है उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है सेक्शन 56 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और वो जो ज़्यादा वाला अमाउंट के ऊपर जो टैक्स लगता है वो 30.9% का होता है, जिससे लेकर यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आई हैं। तो ये होता है यहाँ पे एंजल टैक्स और एंजल इन्वेस्टर्स। बढ़ते हैं आगे अगली न्यूज़ की तरफ। हम लोग आ गए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन पे, मतलब पेज नंबर है यहाँ पे 18, और खबर आई है ब्लाइंड एम्फीबियन टू बी नेम्ड आफ्टर ट्रंप। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके नाम पे नाम रखा जाएगा न्यूली डिस्कवर्ड ब्लाइंड एम्फीबियन का, जिसको पनामा में यहाँ पे फाउंड किया गया था। उनकी तस्वीर भी आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, बिल्कुल हेयर स्टाइल यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जैसा है इस पर्टिकुलर स्पीसीज का, एम्फीबियन स्पीसीज का, और ये एक ब्लाइंड एम्फीबियन स्पीसीज है और इसका नाम रखा जाएगा डर्मोफिस डोनाल्ड ट्रंपी। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे न्यूज़ रिलेट करती है एक ई लाइब्रेरी से, जो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि पूरे के पूरे साउथ एशिया की सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कलेक्शन रखते हैं रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट का, पुणे के अंदर लोकेटेड है, वहाँ पे ई लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। न्यूज़ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर है। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि साउथ एशिया की लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा इनवैल्यूएबल यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट को यहाँ पे ऑपरेट करता है, अपने पास रखता है,
उसने अपनी सारी की सारी चीज़ों को अब ऑनलाइन कन्वर्ट करने का फैसला ले लिया है। 1000 से ज़्यादा यहाँ पे रेयर बुक्स हैं जो कि संस्कृत लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई हैं। फर्स्ट फेज ऑफ डिजिटाइजेशन के अंदर उन सबको यहाँ पे डिजिटलाइज कर दिया गया है। ये जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है इसको स्टैब्लिश 1917 के अंदर किया गया था और इसका जो नाम है इंडोलॉजिस्ट रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी के ऊपर रखा गया है। ये जो पर्टिकुलर लाइब्रेरी है इसके अंदर 2.5 लाख से ज़्यादा रेयर बुक्स रखी हुई हैं। आज न्यूज़ में बस इतनी खबरें थी। कैसा लगा आपको मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। जाते जाते डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। कोई भी मन में कमेंट डाउट क्वेरी सवाल हो तो आप मेरे से फेसबुक पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, यहाँ पर मैं कहीं भी मिलूँ वहाँ पे भी मुझसे सवाल पूछ सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हो। आज के न्यूज़पेपर को एंड करते हैं। सो लव एंड पीस फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।